हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन घरेलू नुस्खों का सेवन दिलाएगा माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा। दोस्तों, आज हम आपको माइग्रेन यानी आधे सीसी को ठीक करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। माइग्रेन के दौरान खोपड़ी के बिल्कुल नीचे स्थित धमनी बड़ी हो जाती है। इसकी वजह से केमिकल का स्त्राव होने लगता है, जो जलन, दर्द और रक्त वाहिनी को और चौड़ा करने का काम करता है। अक्सर लोग माइग्रेन और सिर दर्द दोनों को एक समान समझ लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। माइग्रेन में आधे सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, किंतु सिर दर्द में ऐसा नहीं होता। सिर दर्द थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है, किंतु माइग्रेन का दर्द दवा लेने के बाद तक भी बना रहता है। ये दर्द कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रह सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनसे आप माइग्रेन यानी आधे सीसी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में। गाय का घी। दोस्तों, माइग्रेन ठीक करने का सबसे आसान और साधारण सा उपाय है गाय के घी का उपयोग करना। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि माइग्रेन को ठीक करने के लिए गाय का घी रामबाण की तरह काम करता है। जब भी माइग्रेन की समस्या हो तो थोड़ा सा घी गर्म करके अपने दोनों नाक में डालना है। ऐसा करने से आपको सिर दर्द की समस्या में आराम मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, घी को हल्का गर्म कर लें और इसे अपने माथे और सिर की मालिश करें। ऐसा करने से भी आपको माइग्रेन के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पालक और गाजर के जूस का सेवन। माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए आप गाजर और पालक का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों सब्जियां भी सिर के दर्द को कम करने में काफी सहायक होती हैं। इसके लिए गाजर और पालक का बराबर मात्रा में जूस निकालकर उसे मिला लें और रोजाना इस जूस का सेवन करें। ये जूस अधिक तनाव के कारण होने वाले माइग्रेन अटैक को भी रोकता है और इससे राहत दिलाता है। लौंग का उपयोग। दोस्तों, माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 4 लौंग को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से पका लें। जब पानी से लौंग की अच्छी सुगंध आने लगे, तब इस पानी को किसी बर्तन में डालकर अपने नाक के आगे करके इससे सुगंध लें। ऐसा करने से भी आपके आधे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। आप लौंग को तवे पर गर्म करके भी इसे सूंघ सकते हैं, इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। अदरक वाली चाय। दोस्तों, अदरक मांसपेशियों के दबाव और रक्त वाहिकाओं में सूजन को कम करने का काम करता है और सिर के दर्द में आराम दिलाता है। इसके लिए आप अदरक वाली चाय में 1/2 नींबू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं, इससे भी आपको माइग्रेन में काफी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाते हैं तो आप अपने आधे सिर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।